गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स दिस इज अ वीडियो पार्ट टू चैप्टर टू नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्लास टेंथ बुक फर्स्ट फ्लाइट गाइस वीडियो पार्ट वन में हम यहां तक डिस्कस कर चुके थे. चलिए आगे पढ़ते हैं. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. Nelson Mandela कहते हैं जब inauguration का दिन था तो उन्हें कुछ याद history के कुछ पल याद आ रहे थे जिसके कारण वो overwhelmed हो गए थे. वो क्या थे देखिए जरा. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land. कहते हैं कि in the first decade of 20th century, तो ये 20वीं सदी के पहले दशक की बात कर रहे हैं, यानी कि ये लगभग 1910 की बात कर रहे हैं. कहते हैं जब उसके कुछ सालों बाद A few years after, वहां पर क्या हुआ, एक बिटर एंग्लो बोर युद्ध हुआ. किसके बीच में? इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में, इंग्लिश और जो है साउथ अफ्रीकन लोगों के बीच में क्या हुआ, एक बिटर युद्ध हुआ, एंग्लो बोर युद्ध हुआ. बिफोर माय ओन बर्थ, मेरे जन्म से कुछ समय पहले. तो कहते द व्हाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ट अप देयर डिफरेंसेस. जो व्हाइट स्किन पीपल थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने क्या किया, डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए कुछ उनके, और क्या हुआ, एक सिस्टम इरेक्ट करके रख दिया जो कि रेशियल डोमिनेशन का था, जो कि किसके खिलाफ था, जो डार्क स्किन पीपल थे ऑनलाइन. मतलब कि कहते हैं कि जब इनॉग्रेशन का टाइम था तो उन्हें कुछ पल याद आ रहे थे हिस्ट्री के, तो बता रहे थे कि 20वीं सदी के पहले दशक में, यानी कि पहले दशक 1910 की बात है, जब कहते हैं कि उनके जन्म से पहले युद्ध हुआ, एंग्लो बोर युद्ध हुआ, और उस टाइम जो है साउथ अफ्रीका के जो व्हाइट पीपल थे उन्होंने क्या कर दिया, एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन लाके खड़ा कर दिया अपने ही लोगों के खिलाफ, जो कि क्या थे, डार्क स्किन थे, और एक जो है एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की जो प्रथा वहां पर स्टार्ट हो गई. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज The world has ever known. जो उन्होंने स्ट्रक्चर जो ये क्रिएट किया था बहुत ज्यादा हैरेसमेंट वाला था, एक अमानवीय था, जो कि सोसाइटी में इस तरह का हमने कभी नहीं देखा. मतलब एक इनह्यूमन उन्होंने जो सिस्टम था वो क्रिएट करके रख दिया था, कि जो है रंग भेद की नीति उन्होंने क्रिएट की थी जो कि अमानवीय थी. Now in the last decade of 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of the skin. अब वो बात कर रहे हैं कब की, last decade to 20th century. last decade का मतलब 1994-90 की बात आ जाती है, जब ये बात हमने एक बार कर रही थी 10 मई 1994 जब उन्होंने शपथ ली थी as a first president of South Africa. कहते जो अब ये system है वो had been overturned, मतलब कि बदल दिया गया, replace कर दिया गया है. अब सभी को क्या है, सभी लोगों को अपनी फ्रीडम है रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन. अब किसी भी तरह की जो है स्किन की, रंग भेद की जो है नीति नहीं है. दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल, पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड. कहते जो ये आजादी जो हमें मिली है, जो फ्रीडम मिली है, ये आउटपुट है किसका, इसमें बहुत सारे हजारों लोगों की जो उनके लोग हैं उनकी जाने गई है, उन्होंने अपना सैक्रिफाइस किया है. एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, जो साहस है उनका वो गिना नहीं जा सकता और ना ही उसके उसे रिपेड किया जा सकता. आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ओन सो मैनी अदर डेज दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोस अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गोन बिफोर मी. अब कहते हैं कि मैं सम हूँ किसका, सभी के सभी जो लोग हैं उन्होंने क्या अपना अपना योगदान दिया. पैट्रियट्स, पैट्रियट्स मतलब देशभक्त, अपने अपने तरीके से उन्होंने योगदान दिया. मैं उनका सम अप हूं यहाँ पर. वो कहते हैं कि दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी. आई वाज पेन दैट आई वाज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट
they were not able to see what their sacrifices had brought. Brought का मतलब है guys old fashioned कह सकते हैं या achieved है. अब वो कहते हैं कि मैं इसलिए दुख प्रकट कर रहा हूँ क्योंकि जितने भी लोगों ने अपना अपना sacrifice किया है, योगदान दिया है, मैं उनको thank भी नहीं कर सकता क्योंकि वो क्या हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, मतलब वो नहीं है. I was pained that I was not able to thank them, that they were not able to see. और वो इस देख भी नहीं सकते कि जो उन्होंने अपना योगदान दिया है और उन्होंने सब कुछ ये जो चीज है वो अचीव कर लिया है, तो इसलिए वो अपना दुख प्रकट करते हैं. द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल. कहते जो पॉलिसी थी अपार्थाइड की, जो एक प्रथा थी वहां पर, उन्होंने क्या करते हैं डीप लास्टिंग वुंड, मतलब एक बहुत गहरा जख्म दिया है मेरे लोगों को और मेरे मेरी कंट्री को. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स If not generations recovering from the profound hurt, कहते कि हम spend तो करेंगे बहुत सारे साल, लेकिन जो generations हैं वो recover नहीं हो पाएंगे इस दर्द से, जो hurt हुए हम इस चीज से, जो हमें हमें धक्का लगा है जिस चीज से हम hurt हुए हैं, वो generations भी इतनी जल्दी recover नहीं कर पाएगी. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisler's, the Chief Luthuller's, the Yusuf Dadoes, the Bram Fischer's, and the Robert Subkos of our time. Man of such extraordinary courage. अभी बता रहे हैं कि भाई इन लोगों ने क्या करा था जिनके अभी नाम बोले गए हैं, तो उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है ब्रुटैलिटी में, मतलब कि जो ब्रुटैलिटी, मतलब जो इस तरह की जो ब्रुटैलिटी फैली हुई थी और इस तरह की फ्रीडम को पाने के लिए जो वहां पर अत्याचार हो रहे थे. बट द डिकेड्स ऑफ द ऑप्रेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट. कहते हैं कि जो अत्याचार फैले हुए थे वहां पर, जो रंग भेद की नीति थी, जो ब्रुटैलिटी के कारण था, वो एक नया इफेक्ट आया. वो इफेक्ट क्या था, उन्होंने प्रोड्यूस करे, क्या प्रोड्यूस करे, ओलिवर टैम्बोस, द वाल्टर सिसलर्स, द शिफ, मतलब इस तरह के जो ग्रेट लीडर्स है, जैसे ही हमारे देश में भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, तो इस तरह से वहां पर कुछ जो है लीडर्स उभर कर आए जिन्होंने अपना योगदान दिया उस फ्रीडम को पाने के लिए जो उस टाइम नहीं थी, जो अश्वेत लोगों को, काले लोगों को नहीं मिलती थी. तो मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, इनके अंदर एक बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज थी, विजडम थी, जनरोसिटी थी, उदारता थी, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन. और इस तरह से दोबारा नहीं देखी जा सकती जो करेज जो इनमें थी. परहैप्स It requires such depths of oppression to create such a height of characters. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greater wealth is its people, finer and truer than purest diamonds. अब वो कहते हैं कि भाई जिस तरह का उन्हें oppression हुआ, मतलब कि जैसे कि white लोगों ने उन्हें oppress करके रखा, तो इस तरह से क्या हुआ, एक अच्छी personality वाले, अच्छे character वाले जो है leaders उभर कर आए. कहते हैं माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, जो मेरी जो देश है, जो मेरी कंट्री है, वो रिच है मिनरल्स में, खनिजों में, एंड जेम्स, रत्नों में, जो कि धरती के नीचे पाए जाते हैं. बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल. लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है, उससे महान जो लोग होते हैं उनके पीपल होते हैं, उनकी धरती के पीपल है, लोग हैं, जो कि फाइनर है, ट्रूर है देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो कि जो पत्थर के हीरे हैं उनसे भी ज्यादा क्या है, कह सकते हैं प्योर है. तो वो अपने कंट्री के लोगों को ज्यादा प्रेफर करते हैं, कि कहते हैं कि उनके लोग ही उनकी असली वेल्थ है, ठीक है, ना कि जो डायमंड्स है, जो पत्थर के डायमंड्स, ठीक है. इट इज फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. कहते हैं इट इज द फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, कहते हैं कि अपने क्या कॉमरेड्स, मतलब साथी, जो इस संघर्ष में उन साथी थे उनके साथ, कहते हैं मैंने उनसे साहस का मतलब सीखा. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. मैंने देखा कि बार बार जो है कि जो आदमी, जो औरत है, वो एक विचार के लिए, जो सोचते हैं ना, उस विचार के लिए अपने जिंदगी तक को दांव पे लगा देते हैं. आई हैव सीन मैन एंड वुमन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. एक विचार के लिए ही अपनी जिंदगी को क्या कर देते हैं, दांव पे लगा देते हैं, चाहे वो मैन हो चाहे वुमन. I have seen man stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मतलब कि कह रहा है कि resilience मतलब the ability to deal with any kind of hardship and recover from its weight. कितना भी उन्हें torture कर दो, कितना भी कुछ कर दो, लेकिन वो without breaking हुए, बिना टूटे हुए, क्या कहते हैं, फिर से दोबारा खड़े हो जाते थे. मतलब इतनी, मतलब जैसे imagine भी नहीं किया जाता, इतनी ज्यादा strength थी. I learned that courage was not the absence of fear. मैंने सीखा कि जो साहस, वो साहस का मतलब ये नहीं है कि भाई वहां पर डर ना हो,
बल्कि बट द ट्रिम पावर इट, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करना होता है डर पर. द ब्रेव मैन इज नॉट ही, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट अफ्रेड बट ही हु कंक्यूर्स द फियर. कहते हैं बहादुर आदमी वो नहीं है जो डर को फील नहीं करता, बल्कि वो है जिसने इस पर विजय प्राप्त कर ली, डर पर विजय प्राप्त कर ली है. No one is born hating another person because of the color of the skin or his background or his religion. कहते कि कोई भी बंदा इसलिए ये नफरत के साथ पैदा नहीं होता कि वो एक दूसरे को नफरत करे, इस तरह से पैदा नहीं होता कि उसके बैकग्राउंड की वजह से उसे नफरत करे, उसके धर्म की वजह से नफरत करे, उसकी स्किन कलर ऑफ स्किन की वजह से नफरत करे. पीपल मस्ट लर्न टू हेट, बल्कि वो सिखाए जाते हैं, सीखते हैं हेट करना. एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव. कहते हैं अगर उन्हें नफरत करना सीखते हैं तो उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि प्यार कैसे किया जाए, उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, लव के लिए भी सिखाया जा सकता है. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट. कहते हैं जो प्यार तो एक नेचुरल है, वो तो बहुत नेचुरली आता है, जबकि जो ह्यूमन हार्ट वो एक नेचुरली क्या होता है, उसमें प्यार होता है, जबकि जो नफरत है वो तो नेचुरली नहीं है ना, वो तो सीखने पर आती है. इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकंड बट इट वाज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग. कहते हैं अब उन्हें याद आ गया जब उन बोर कॉमरेड उन वो नेल्सन मंडेला और उनके कॉमरेड जो थे प्रिजन में थे, तो कहते हैं वो ग्रीमस टाइम्स था, इन मतलब हार्ड टाइम था प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर. व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, पुश्ड टू आवर लिमिट्स का मतलब है कि हमें जो है पुश्ड टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी टू बियर पेन. इतना ज्यादा उन्हें क्या दिया, उनकी जो लिमिट से भी ज्यादा उन्हें पेन दिया गया. तो कहते हैं कि भाई उन्हें बात याद आ जाती है कि जब I would see a glimmer of humanity. तो मैंने humanity एक मानवता देखी, one of the guards, एक guard के अंदर, लेकिन कुछ समय के लिए थी मानवता हमने देखी, लेकिन मुझे उससे क्या हुआ, reassure हो गया कि मैं जो है मैं जाने की जो direction है वो सही है. But it was enough to reassure me and keep me going. और मैं अपना रास्ते पर चलता रहा freedom के लिए जो मेरी थी. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. जो प्रिजन में गार्ड ने जो मानवता दिखाई, तो वो कहते हैं कि मुझे हाँ विश्वास हो गया था कि मैं सही रास्ते पे हूँ. तो फिर वो कहते हैं कि मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश. कहते हैं कि जो मानवता की, जो इंसान की जो अच्छाई है, वो एक फ्लेम है, एक ज्योति है, एक आग है, जो छुपाई तो जा सकती है लेकिन कभी बुझ नहीं सकती. ओके गाइस, दिस इज अ वीडियो पार्ट टू. द नेक्स्ट पार्ट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.